गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। T5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखबीर सिंह। इस वेले की बड़ी खबर किसानों नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वालों 3 खेती कानून ने जिहड़े वह वापस लै गए हैं, जिदे चलदे हुण पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। तुहानू दस दी कि 3 खेती कानूनों नूं लैके किसान काफ़ी लंबे समय तो दिल्ली के बार्डर से डटे हुए सन, भाजपा सरकार का लगातार विरोध कर रहे सन। तो उत्थे ही नरेंद्र मोदी का कहना है कि मैं 3 खेती कानूनों बारे जिहड़ा किसानों नूं चंगी तरह समझा नहीं सकिया, जिसके चलदे हुण असीं इह जिहड़े 3 खेती कानून ने वापस लैंदा हाँ। उन्हां दा कहना है कि मैं जो भी किया किसानों दे लई किया, इसके चलदे उन्हां ने गुरपुरब के मौके जिहड़ी आ उह सिख संगत नूं बधाई भी दित्ती है। तो इस दे नाल हुण जेकर पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल की जाए तो वह लगातार कहा जा रहा है कि BJP शामिल हो सकते हैं, पर अजिहा नहीं होया। पर उन्होंने एक अपनी जी नवी पार्टी जरूर बना ली सी, लोग कांग्रेस। तो हुण देखना यह होगा कि 3 खेती कानून रद्द होने तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच सकते हैं कि वह BJP नाल जिहड़ा गठजोड़ कर सकते हैं जां फिर नहीं, क्योंकि पंजाब अंदर 3 खेती कानून के कारण लगातार जिहड़ा BJP नाल जांदा सीगा जां लीडर कोई भी बैठक करता सीगा जां उन्हां दे हक च बोलदा सीगा उहदा विरोध किया जांदा सीगा। पर हुण 3 खेती कानून ने जिहड़े रद्द हो चुके हैं, देखना यह होगा कि हुण कहड़े कहड़ी जिहड़ियां पार्टियां ने वह BJP नाल जिहड़ियां वह रल सकदियां ने। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है, 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी।
मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देही शिवा वर मोहे इहै, शुभ कर्मन ते कभू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कैमरामैन अतुल दे नाल मैं सुखवीर पंगू पटियाला। T5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सीधी गलबात ते जानो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ये प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बनन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान ऐतवार सवेरे 7 तो 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com कानून जायदाद दा। गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।